जय हिंद। आज के हम स्टूडियो में देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह है सर्वेइंग इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 23 होने वाला है। अगर आपने शुरू के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा ईडीएम उपकरणों से संबंधित नहीं है? जियोडोमीटर, क्षेत्रमापी, टेलेरोमीटर या डिस्टोमीटर। इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्लानीमीटर या जिसे क्षेत्रमापी कहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलेरोमीटर निम्न का एक उदाहरण है। टेलोमीटर किसका उदाहरण है? सर्वेक्षण कंपास का एक प्रकार, माइक्रोवेव उपकरणों का, दृश्य प्रकाश उपकरणों का या आईआर उपकरणों का। इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, माइक्रोवेव उपकरणों का, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स का उदाहरण है, क्या है? टेलोरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा एक प्लानीमीटर का प्रयोग करके मापी जाती है? क्षेत्रफल, छड़ का व्यास, आयतन या भार। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो एरिया जो क्षेत्रफल होता है ये प्लानीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के कारण भूभाग के ऊपर रखी कोई भी वस्तु एक एरियल फोटोग्राफ में फोटो के मुख्य बिंदु से त्रिज्यतः बाहर की ओर झुकती है। झुकाव, उच्चवच विस्थापन, प्रतिबिंब विमोटन या लंबवत विमोटन। इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, उच्चावच विस्थापन। जो उच्चावच विस्थापन के कारण है भूभाग के ऊपर रखी कोई भी वस्तु एक एरियल फोटोग्राफ में फोटो के मुख्य बिंदु से त्रिज्यतः बाहर की ओर झुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनी लेवल का संशोधन प्रारूप है। एबनी लेवल का संशोधित प्रारूप क्या है? पेंटाग्राफ है, बुदबुद नलिका है, क्षेत्रतल मापी है, प्रवणता मापी। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो ये प्रवणता मापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से साधन को क्लिनोमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसको क्लिनोमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्टिकल स्क्वायर, लाइन रेंजर, प्रिज्म स्क्वायर या एबनी लेवल। इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, एबनी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है? कौन सा उपकरण का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है? जियोडोमीटर, टेलोरोमीटर, षष्ठक मापी या टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा षष्ठक मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लान को घटाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। एक प्लान को घटाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा उपकरण है? क्लिनोमीटर है, प्लानीमीटर है, पेंटाग्राफ है या सेंटेक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो है पेंटोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाग्राफ का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेंटाग्राफ का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी मापने के लिए, समकोण स्थापन करने के लिए, प्लान को बड़ा या छोटा करने के लिए, क्षेत्र फल मापने के लिए। तो जो है पेंटाग्राफ का उपयोग जो किया जाता है प्लान को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? प्लान को बड़ा या छोटा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अनियमित तटबंध के खुदाई की सर्वोत्तम मात्रा का अनुमान लगाती है? क्षेत्रफल की ज्यामिति विधि द्वारा, प्रस्थान तथा कुल अक्षांश विधि द्वारा, दोहरे समानांतर दोहरे द्वारा, सिम्पसन के नियम द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सिम्पसन रूल के द्वारा। सिम्पसन रूल के द्वारा क्या कहते हैं? अनियमित तटबंध के खुदाई की सर्वोत्तम मात्रा का अनुमान जो लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सिम्पसन का नियम तब उपयोग किया जाता है जब ऑफसेट की संख्या होती है। क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सिम्पसन का नियम तब लागू कहते हैं जब ऑफसेट की संख्या ऑड विषम होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आपका इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। हवाई सर्वेक्षण 4 चरणों में पूरा होता है, उस विकल्प को चुनें जो उन उपकरणों का सही क्रम में दर्शाता हो। अग्नि योजना, फोटोग्राफी, जमीन नियंत्रण संकलन, एडवांस प्लानिंग, ग्राउंड कंट्रोल, फोटोग्राफी और कंपनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, एडवांस प्लानिंग, फोटोग्राफी, ग्राउंड कंट्रोल और कंपनेशन। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन मृदा कार्य के परिकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आकलन मृदा कार्य के परिकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? और उपयुक्त सभी का केवल मध्य अनुभागीय क्षेत्र विधि, केवल प्रिज्मीय सूत्र विधि या केवल माध्य अनुभागीय क्षेत्र विधि, किसका किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही मेथड का उपयोग किया जाता है। मेट सेक्शनल एरिया मेथड,
प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड और मीन सेक्शन एरिया मेथड, ये तीनों ही मेथड का उपयोग मृदा अवकलन में किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क इन रोड एस्टिमेट, रोड एस्टिमेट का अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए तीनों विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यखंड सूत्र में मिड सेक्शन फार्मूला, तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सा सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के लिए समलंबी सूत्र जिस धारणा पर आधारित है वह है क्या है? अंतिम सिरे समानांतर तल के होते हैं, प्रिज्मंडल के बीच का क्षेत्रफल अंतिम सिरों के औसत क्षेत्रफल का आधा होता है, प्रिज्म भाग का आयतन अति अनुमानित होता है, अतः प्रिज्म भाग संशोधन किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल और गंतव्य अध्ययन की एक विधि नहीं है? वापसी पोस्ट कार्ड विधि, समलंबकार नियम विधि, टैग कोर विधि या सड़क पारदर्शी, करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये ट्रपोजाइजल टूल मेथड जो होती है ये मूल और गंतव्य अध्ययन की एक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रपोजाइडल नियम से सिरों को जोड़ने वाली सीमाओं को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सीधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन का एक तिहाई नियम का उपयोग तभी किया जाता है जब इंटरवल की संख्या खालिस्तान हो, क्या हो इंटरवल की संख्या? सम हो। जब सिम्पसन का एक तिहाई नियम, वन थर्ड नियम का उपयोग, सिम्पसन का वन थर्ड नियम का उपयोग होता है तभी किया जाता है जब इंटरवल की संख्या कैसी हो? सम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहाड़ी सड़क के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्रथम कार्य होता है हाइड्रोलॉजिकल और मृदा सर्वेक्षण, घुमाव के साथ साथ संरेखण को संतुलित करना, लंबत और तिर्यक काट पता करना, बेंचमार्क निर्धारित करना। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, बेंचमार्क निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की धरातल उबड़ खाबड़ हो तो मृदा खुदाई का सही मात्रा याद की जाती है ट्रपोजाइजल नियम से, सिम्पसन नियम से, औसत ऑर्डिनेट नियम से, मिड ऑर्डिनेट नियम से। तो इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा सिम्पसन नियम से, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। देख सकते हैं तो ESC में पूछा जा चुका है, UP PCL JEE में पूछा जा सकता, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्पसन नियम कब प्रयोग किया जाता है? तो सिम्पसन नियम कब प्रयोग किया जाता है? जब निम्न कोटि हो, जब दूरी समान हो, क्षेत्र बहुत अनियमित आकार का हो, क्षेत्र के भागों की संख्या सम हो। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्षेत्र बहुत अनियमित आकार का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार रेखा तथा सीमा रेखा के मध्य के क्षेत्रफल को याद करने हेतु इनमें से कौन सी विधि नियम का प्रयोग नहीं करते हैं? मिड ऑर्डिनेट रूल, सिम्पसन्स रूल, ट्रपोजाइडल रूल, प्रिज्मोइडल रूल। तो इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रिज्मोइडल फार्मूला, ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रेड की लीड सर्वाधिक कठोर होती है? किसकी होती है? तो यह होती है सिक्स एच की होती है। किसकी होती है? सिक्स एच की होती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग पेंसिल को उसके सापेक्ष खालिस्तान में वृद्धि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, किसके अनुसार? उसकी हार्डनेस, सॉरी दोस्तों, उसके व्यास के आधार पर, कठोरता के आधार पर, शार्पनेस के आधार पर या लंबाई के आधार पर। तो उसको कठोरता के आधार पर ड्राइंग पेंसिल की सापेक्षता में जो वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का उद्देश्य, जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है उसमें एलिडेट का क्या उद्देश्य है? लक्ष्य को देखने के लिए, लंबन को समाप्त करना, केंद्रण, या प्लेन टेबल को समतल करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेटिंग द टारगेट पॉइंट, ऑप्शन नंबर एक साथ इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। लक्ष्य को देखने के लिए जो होता है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलिडेट का उद्देश्य, मतलब उद्देश्य, मतलब प्लेन टेबल को, सॉरी दोस्तों, प्लेन टेबल में एलिडेट का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सेटिंग द टू टारगेट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यही हमारे आज के इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, कोई वीडियो मिस ना हो। अगर आप दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उसमें मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको यूट्यूब लिंक में उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन कभी प्राप्त ना हो तो आप उसके माध्यम से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई इमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।